हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 types ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें से आज हम जियोलाइट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट इट इज़ अ नेचुरली अक्रिंग हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स लाइक Na2O, Al2O3 डॉट XSiO2 डॉट YS2O, वेयर X इज इक्वल टू 2 to 10 एंड Y इज इक्वल टू 2 to 6, कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग रिवर्सिबली इट्स सोडियम आयन्स फॉर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन्स इन वाटर। वन मोर थिंग, zeolite are also known as permits and in Greek it means boiling stone. So zeolite process for water softening. zeolite किस तरह से water को soft करता है उसके बारे में हम देखेंगे। For softening of water by zeolite process, hard water is percolated at a specified rate through a bed of zeolite. housed in a cylindrical unit. Zeolite holds sodium ions loosely and can be simply represented as Na2Ze. आप reactions में देख रहे होंगे हमने Na2Ze लिखा है, so zeolite को हम simply Na2Ze लिख सकते हैं। okay? यहाँ पर जो zeolite है ये sodium ions को काफ़ी loosely bond करके रखता है, तो जहाँ पर हम बता सकते हैं कि सोडियम आयन जियोलाइट से आराम से फ्री हो सकता है। द हार्डनेस कॉजिंग आयन्स कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एक्सेट्रा आर रिटेन्ड बाय द जियोलाइट एज कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट रिस्पेक्टिवली, वाइल द आउटगोइंग वाटर कंटेंट्स सोडियम साल्ट्स। इन द प्रोसेस द वाटर बिकम्स फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन द मेन हार्डनेस प्रोड्यूसिंग केटायंस। ओके, तो ये रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम जियोलाइट है Na2Ze प्लस हार्डनेस। वाटर में तमाम तरह की हार्डनेस प्रेजेंट होती है जो सॉल्ट्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ओके, तो ये जो हार्डनेस है, जब हम वाटर को जियोलाइट बेड के ऊपर से परकोलेट करते हैं तो ये जो हार्डनेस जब उसमें से फ्लो होती है, उसमें से पास होती है, उस कंडीशन में हार्डनेस में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज हो जाते हैं जियोलाइट के सोडियम से। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितने भी सोडियम आयन्स जियोलाइट बेड्स में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं और अब आगे कोई भी जियोलाइट आयन नहीं रहता। तो आफ्टर सम टाइम द जियोलाइट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट्स। एवेंचुअली द बीड सीजेस टू सॉफ्टन वाटर, दैट मीन्स इट गेट्स एग्जॉस्टेड। अब वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उसके पास एक्सचेंज करने के लिए सोडियम आयन्स प्रेजेंट नहीं है, हम इस तरह से भी इस चीज़ को कह सकते हैं। एट दिस स्टेज द सप्लाई ऑफ हार्ड वाटर इज स्टॉप एंड द एग्जॉस्टेड जियोलाइट इज रिक्लेम बाय ट्रीटिंग द बेड विथ अ कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। उस कंडीशन में ये रिएक्शन होती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट, ये बेड ऑफ जियोलाइट है, इस पर हमने ब्राइन सोल्यूशन डाला, दैट इज़ NaCl। जब हम ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं, कब डालते हैं? जब हमने वाटर की सप्लाई बंद कर दी है, उसको स्टॉप कर दिया है। उस कंडीशन में वाटर का सप्लाई रोककर हमने NaCl डाला, NaCl डालने पर कैल्शियम एंड सोडियम एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज होने पर हमको मिलता है वापस से सोडियम जियोलाइट एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम वॉशिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। द वॉशिंग्स आर लेड टू ड्रेन एंड द रीजनरेटेड जियोलाइट बेड दस ऑप्टेंट इज यूज अगेन फॉर सम सॉफ्टनिंग प्रोसेस इंस्टीड ऑफ NaCl, NaNO3, KCl, KNO3 एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज
for regeneration, but NaCl is most commonly used because of its low cost and products of regeneration process. Students, this is the pick of zeolite process. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वन हार्ड वाटर इनलेट है, एक इंजेक्टर है जहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन को इनलेट करते हैं, इसके अलावा जियोलाइट बेड है, ग्रेवल है, सिंक है जहाँ से कि हम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप की वॉशिंग्स को रिमूव करते हैं, और एक और आउटलेट है जहाँ से हम सॉफ्ट वाटर को लेते हैं. सो इट इज़ इनफ फॉर जियोलाइट प्रोसेस. थैंक यू. मेरिट्स ऑफ जियोलाइट प्रोसेस एंड डीमेरिट्स ऑफ जियोलाइट प्रोसेस. It removes the hardness almost completely about 10 ppm hardness only. यहाँ पर zeolite process में जब हम hardness remove करते हैं तो जो हमारी residual hardness बचती है वो लगभग 5 to 10 ppm के लगभग बचती है. The process automatically adjusts itself for variation in hardness of incoming water. This process does not involve any type of precipitation, thus no problem of sludge formation occurs. Demerits of zeolite process. The outgoing water contains more sodium salts. This method only replaces calcium and magnesium ions by sodium ions. Second, high turbidity water cannot be softened effectively by zeolite process. So, these are all about the zeolite process. Thank you so much.